एक नया मंसूबा बनाया गया है जिसके तहत ये देखना है सिंध हुकूमत को, ये जांचना है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर सारा काम ठीक होता है, किचन उनके साफ सुथरे हैं, क्या जो बैठने की जगह है वो साफ सुथरी है। तो अब एक नया डेटा बनाया जाएगा, नया डेटा रेस्टोरेंट्स का, कराची के रेस्टोरेंट्स का बनाया जाएगा जो सुपर हाईवे पर हैं, जो फेज एट के अंदर दो दरिया के ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, शहर के अंदर फैले हुए रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उन सबके किचन देखे जाएंगे, उनके अकाउंट्स देखे जाएंगे, उनके मालकान से मिला जाएगा, सारा डेटा बनाया जाएगा। एक और नया धंधा, इसका पार्ट टू ये है कि 25,000-26,000 कराची के अंदर इंडस्ट्रीज हैं छोटी बड़ी, वहां भी छापे मारे जाएंगे कि क्या इन्वायरमेंटल कोई खिलाफवर्जी तो नहीं हो रही, वर्कर्स प्रॉपर अंदाज में काम कर रहे हैं, मशीनें ठीक जगह पे लगी हुई हैं, जनरेटर्स ठीक जगह पे लगे हुए हैं, एक्सपोर्ट ठीक तरीके से हो रही है, कोई फैक्ट्री रिहायशी इलाके के अंदर तो नहीं है, बहाने हैं बहुत सारे, एक नया धंधा शुरू हो रहा है। एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है और चूंकि नए वजीर चेंज हुए, बजट आया, उसके बाद नए वजीर आए हैं, तो अब नए वजीर, नए सेक्रेटरीज, नया सिस्टम, और उन्होंने तय किया है कि अब जरा रेस्टोरेंट्स के लोग जो हैं, ये जो कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन वाले हैं, इनको काबू किया जाए, बहुत उछल रहे हैं, बहुत जंपे लगा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, फौज से मिल रहे हैं, उधर जाके रबते कर रहे हैं, इधर जाके रबते कर रहे हैं, जरा इनको झुकाया जाए, बिठाया जाए, समझाया जाए और अपने ताबे लाया जाए कि जंपे शंपे नहीं मारो, रेस्टोरेंट्स बंद कर देंगे तुम्हारे, तुम्हारे पिज्जा हट्स बंद कर देंगे, तुम्हारे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं दो दरिया पे, क्लिफ्टन में, डिफेंस में, गुलशन में, शहीद मिल्लत रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड पर, सोराब गोड के पास, हाईवे पर, ये रेस्टोरेंट्स हम बंद कर देंगे, तो जेबें ढीली करनी पड़ेंगी, मजीद पैसे देने पड़ेंगे, मजीद धंधे होंगे, मजीद सिनेरियो एक क्रिएट हो रहा है। मैंने जब मुझे पता चला तो फिर मैंने 2-3 ब्यूरोक्रेट से गपशप लगाई, हाँ सही ऐसा हो रहा है, ये देखना पड़ेगा, ज़रूरी है कि किचन साफ सुथरे हैं नहीं हैं, लोग किस तरह काम कर रहे हैं, EOBI के तहत उनको रजिस्टर्ड है नहीं है, इन्वायरमेंटल इशू है नहीं है। फिर एक और साहब हैं, वो बड़े बड़े अच्छे मुखलिस आदमी हैं, उन्होंने भी कहा कि जी वो सनतों को देखना पड़ेगा, इतनी सारी सनतें हैं, छोटी बड़ी सनतें हैं, रिहायशी इलाकों में आग लग जाती है, उनको चेक करना ज़रूरी है। तो कराची की सनतकारों की खैर नहीं है और कराची के रेस्टोरेंट वालों की भी खैर नहीं है, जो बहुत छलांगे मार रहे थे कि हमें इजाज़त दी जाए 10 बजे तक खोलेंगे, 12 बजे तक खोलेंगे, बड़े मुश्किल से 16-17-18 महीनों के बाद बहुत मुश्किल से वो खोले, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया रेस्टोरेंट्स वालों का, सनतकारों का, ज़्यादा टैक्स देते हैं, ज़्यादा सैलरीज देते हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सैलरीज वर्कर को जो है कराची वाले देते हैं, सिर्फ हुकूमत ने वफाक की बात नहीं मानी थी और ज़्यादा पैसे बढ़ाए थे, 20,000 कम से कम सैलरी वफाक ने रखी हुई है, सिंध गवर्नमेंट ने कहा नहीं 25 दो, सनतकारों ने कहा हमारी जान निकल जाएगी, टैक्स दे दे के थक गए हैं, ये है आप ऐसा ना करें, 5,000 रुपये अगर एक बंदे को हम ज़्यादा देंगे तो हमारे एक सनत के अंदर 500,000-2,000-5,000 अगर मजदूर काम कर रहे हैं तो बजट हमारा ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ही जो एक्सपोर्ट का जो कंटेनर का किराया है वो $1,200 से बढ़कर $10,000-$12,000 हो गया, तो हम बहुत मुश्किल में हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो सनतकारों के ऊपर ऑलरेडी बहुत बोझ है, ताजरों की तो छतरौल हो गई है, ताजरों के साथ जो चीखों पुकार हड़तालों वाला जो मामला शामला हुआ है वो तो हुआ ही है। अब ये कि रेस्टोरेंट वालों की टांगे मरोड़ने का और उनकी जान निकालने का प्लान है और इसका सहारा लिया जा रहा है, अथॉरिटी के लोग भी होंगे, मुख्तलिफ महकमों के लोग होंगे जो छापे मारेंगे, पुलिस उनके साथ होगी और वो छापे मार के तय करेंगे, देखेंगे किचन साफ है, लोग ठीक हैं, सिस्टम ठीक चल रहा है। अब ये फैजान रावत क्या करेंगे, अब असद साहब क्या करेंगे, अब उनके साथ जो बहुत सारे और लीडर आने वो क्या करेंगे, दोबारा से मिनिस्टरों के हाथ पांव चक्कर लगाएंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, जनरल साहब से मिलेंगे कि भाई ये एक नई मुसीबत शुरू हो गई, इसको रोको, पहले टाइम पर रो रहे थे, अब ये नई मुसीबत शुरू हो रही है। तो मैंने घंटा बजा दिया है कि सूरत हाल कराची वालों को आराम देने का नहीं है, कोई ऐसी आराम देने वाली सूरत हाल नहीं है, टेंशन, चाबी, एक्सीलेटर, स्विच स्क्रू टाइट करने वाला माहौल कराची के रेस्टोरेंट वालों के लिए है। अब उसमें अथर चावला अपना नुक्ता नजर रखें, फैजान रावत अपना नुक्ता नजर रखें, चैंबर अपना नुक्ता नजर रखें, FPCCI अपना नुक्ता नजर रखें,
कोई भी कोई नुकता नजर रखे, हुकूमत ने तय कर लिया है कि अब हम छापे मारेंगे सनतों के ऊपर, देखेंगे कि आप किस तरह वर्करों से काम करवाते हैं, वो हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कोई खिलाफवर्जी तो नहीं हो रही है, कोई और तरीकेकार तो नहीं है। सनतकार बड़ी मुश्किल से जाके थोड़ा सांस लिया वो नाले के चक्कर में, कोई कराची की बहुत कीमती और पुरानी 60s-70s की सनतों को आधे से ज्यादा तोड़ दिया औरंगी नाले के चक्कर में, चीखों पुकार मची रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ था, कर कुछ दिया, पैसे भी दिए, माल भी दिया, डिप्टी कमिश्नर ने भी लिए, असिस्टेंट कमिश्नर ने भी लिए और अफसरों ने भी लिए, पुलिस ने भी लिए। अच्छा, सबको पता है, मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा है। अब यह कि वो सारा सिलसिला खत्म हो गया कोविड वाला, अब नई कैसेट यह है कि रेस्टोरेंट वालों को नहीं छोड़ेंगे और सनतों को नहीं छोड़ेंगे, छोटी बड़ी सनतें जो 26,000 के करीब कराची में हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्री एरियाज के अंदर, वहां पे छापे पड़ेंगे, वहां देखा जाएगा एनवायरमेंटल मामला, वर्कर की सेहत के मामला, दीगर मामला कोविड के हवाले से, खुदा ना खासा इमरजेंसी के हवाले से वो देखे जाएंगे और उसके अंदर अब आपको जवाब देना पड़ेगा। एक नए सर्टिफिकेशन और एक नए मामला की तरफ कराची को ले जाया जा रहा है और बहुत ही डेंजरस मामला कराची वालों के लिए, कराची के सनतकारों के लिए, कराची के रेस्टोरेंट वालों के लिए खड़ा हो रहा है। अब ये जो आपस की सियासत है ताजरों की, सनतकारों की, रेस्टोरेंट वालों की, अब इनको मजबूरन एक पेज पे आना पड़ेगा। भाग दौड़ जो है वजीरों के घरों पे फेज एड में जाके बैठ के तस्वीर खिंचवाने से मसला हल नहीं होगा, वजीरों के घरों पे जाके छलांगे मारने से मसला हल नहीं होगा, इस्लामाबाद जाके जनरल साहब के पास तस्वीर खिंचवाने से मसला हल नहीं होगा, कोई नई स्कीम बनानी पड़ेगी, हड़ताल बनाने करने से भी मसला हल नहीं होगा, कोई तिकड़म लड़ानी पड़ेगी कि अब ये आप भी ग्राउंड से निकलेंगे अपना कारोबार करने के लिए नुकसान उठाने के बाद, दूसरे राउंड में आएंगे फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर मिन्नत करनी पड़ेंगी, फिर सलाम दुआ करना पड़ेगा, फिर माफी मांगनी पड़ेगी, फिर मिन्नतें करनी पड़ेंगी और फिर अगले राउंड में जाएंगे नुकसान करके, फिर आप दोबारा अपने सिस्टम को बनाएंगे रोजगार देने के लिए, लोगों को जमा करेंगे, उसके बाद सारा सिस्टम करेंगे, उसके बाद फिर आपके साथ ये होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, वजीर मौसूफ हैं इस्माइल राहू साहब जो हैं उन्होंने ये बात की है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहिबान, बुजरा साहिबान, मुराद अली शाह साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, सब ने बोला है कि भाई ये तो चेक करना ज़रूरी है कि रेस्टोरेंट चल कैसे रहे, और ये भी चेक करना ज़रूरी है कि सनतकार कैसे काम कर रहे हैं, और नई लिस्टें बनाने की ज़रूरत है, सबका सारा डेटा दोबारा जमा करने की ज़रूरत है। तो हो जाएं तैयार रेस्टोरेंट्स वाले और हो जाएं तैयार सनतकार, एक नया भत्ता देने का सिस्टम आ रहा है और किसी वक्त भी छापे लगने शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं कराची के जो सनतकार हैं, ताजिर बिरादरी है, रेस्टोरेंट्स के अहदेदारान हैं, एसोसिएशन के अहदेदार, ये सारे अब करेंगे क्या, ये क्या करेंगे और कैसे अपने आप को बचाएंगे, किससे जाके मदद मांगेंगे और किस तरह इस मसले को डील करेंगे, अब उनके पास आ रहे हैं ऐसे हमारे नए ब्यूरोक्रेट्स जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता लेकिन लेना आता है। तो नए सिस्टम के लिए तैयार रहें, खौफनाक बात है। मेरे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हैं, अभी शेयर नहीं कर रहा, आने वाले क्लिप्स में शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।